हाय, दिस इज मिलिंद गुना जी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड ठिकाना। अब एक नजर आपकी पर्सनल लाइफ पे डाल लेते हैं। रानी गुना जी मराठी एक्ट्रेस हैं। बहुत कम लोग आपकी लव स्टोरी से वाकिफ हैं, तो थोड़ा बताइए कि आपका कैसे मिलना हुआ, क्या है लव स्टोरी आपकी? वो एक्चुअली मुझसे भी सीनियर है, मतलब वो मराठी कहने से भी ज़्यादा हिंदी से स्टार्ट हुआ उनका। वो मिस्टर योगी करके अपने सीरियल सुना था वो, जिसमें मोहन मोहन गोखले वगैरह ये लोग थे और काफ़ी फेमस सीरियल थी मिस्टर योगी जी। उसमें उन्होंने काम किया था एज ए हीरोइन। मतलब कुछ 5-6 हीरोइंस होती है अलग अलग एपिसोड्स में, उसमें एक में वो थी। और मुझे किसी मराठी सीरियल में जस्ट आफ्टर आई बिकेम अ सुपर मॉडल, एक डिग्जाम का मॉडल और बहुत नाम वगैरह हुआ था, एक डायरेक्टर ने गौतम राजाध्यक्ष को पूछा था कि मैं मुझे एक ऐसा ऐसा दिखने वाला रॉयल दिखने वाला हीरो चाहिए, तो मेरा नाम सजेस्ट किया था। तो मैं एज आई टोल्ड यू मुझे एक्टिंग आती नहीं थी, तो उसमें मैं हीरो था। और तभी मेरे साथ मेरी हीरोइन थी स्मिता जयकर, तो हीरोइन थी तभी। और बाद में क्या हुआ मालूम नहीं, सब लोग चेंज हो गए, एवरीबडी वॉज चेंज, एंड देन द नेक्स्ट हीरोइन दैट केम इन वॉज रानी गुना जी, रानी बाबुल थी तभी वो। और फिर हम वो सीरियल वैसे रह गए, वो 4 एपिसोड हुए, फिर बाद में उसका बहुत साल कुछ शूटिंग वूटिंग नहीं हुआ और हमारी शादी हो गई। अच्छा। उस दौरान फिर बाद में वो थोड़ा बहुत शूट हुआ, फिर आया एयर पे वगैरह वगैरह, लेकिन वो बेसिकली हमारा मिलने का और शादी होने का कारण वो सीरियल हो गई। सीरियल हो गया, क्या बात है। उसका नाम था कल्पांत। कल्पांत, लवली लवली।